वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम्स। तो भी एक मैच होने वाला है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस के बीच प्रीमियर लीग का, और हर एक टाइम पे चार मैच हैं, तीन ये एक क्रिकेट का। तो भाई टीम मैं दूंगा दो दो मिनट के गैप में, समझ रहे हो, और 15 मिनट पहले, ठीक है, कि आपको मुश्किल ना हो। तो बात करें मैनचेस्टर सिटी और क्रिस्टल पैलेस का जो मैच है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की मैनचेस्टर सिटी और क्रिस्टल पैलेस में, मैनचेस्टर सिटी टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मैनचेस्टर सिटी के जीतने के चांसेस हैं अराउंड 80%, और 80% वाली टीम कैसे हार जाएगी। तो बात करें गोलकीपर की, देन यहाँ पर है विसेंट गोएता को ही मैं हर बार अपनी टीम में लेता हूँ। विसेंट गोएता का खेलने का तरीका भी बहुत ज़्यादा वेल है, तो मैं इस प्लेयर के साथ अपनी टीम में जा रहा हूँ। और आगे से अगर बात करें जी एंडरसन की, तो आपको बता दूँ जोकिम एंडरसन को यहाँ पर मैं अपनी टीम में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गाइज मैंने चार मिडफील्डर मैनचेस्टर सिटी के ले रखे हैं और एक स्ट्राइकर भी मैनचेस्टर सिटी का, तो यहीं पे मेरे पांच प्लेयर ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे को जो दो प्लेयर लेने हैं वो नीचे से हैं, जो कि है के वॉल्कर एंड काइल वॉल्कर को लेने का मैंने आपको रीज़न पहले ही बताया। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैंसेलो एंड वॉल्कर को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। जो जे कैंसेलो है ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, एंड कैंसेलो को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लूँगा। एंड एक प्लेयर है एन एक, तो यहाँ पर मैं नैथन एक के साथ मतलब नहीं जा रहा क्योंकि नैथन एक को पिछले मैच में बहुत मेगा इंजरी हो गई थी, तो इसलिए मैं इस प्लेयर को अपनी टीम में नहीं लूँगा क्योंकि अभी वो इंजर्ड है। तो इसकी जगह हो सकता है या तो ये रूबन दियास को खिलाएंगे या जे स्टोन्स को। ओके, तो अभी इन दोनों से काम चला लो, भले वो दोनों खेले भी तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें मिडफील्डिंग पे जोर देना है आज के मैच में। आगे से अगर बात करें तो विलफ्रिड ज़ाहा, ये इन सबसे डिफरेंट है। दूसरी बात, क्रिस्टल पैलेस के सबसे ज़्यादा गोल करने वाला जो प्लेयर है ना वो विलफ्रिड ज़ाहा है। एक होता है ना नॉर्मल गोल का, एक होता है मैक्सिमम गोल्स, तो मैक्सिमम गोल्स विलफ्रिड ज़ाहा ही करना जानता है। आगे से अगर बात करें केडी ब्रून की, अब जैसे कि केडी ब्रून ने पिछले मैच के अंदर इतना अच्छा प्रदर्शन किया फिर भी ड्रीम टीम में नाम नहीं आया क्योंकि मैनचेस्टर सिटी फीकी टीम नहीं है। ये जो 56 पॉइंट आप देख रहे हो, 56 पॉइंट तो इनका डिफेंडर दे जाए बिना गोल के, इतना दम है इस टीम में। तो इसलिए केडी ब्रून ने खेला वेल था लेकिन और अच्छा कर सकता था और करेगा। एंड बी सिल्वा की एक अल्ट्रा वापसी, क्योंकि दो बार से प्लेइंग 11 में नहीं था, पिछले मैच में चांस मिला तो लोगों ने लिया हुआ था, तो क्या किया, गोल प्लस असिस्ट, जबकि बी सिल्वा बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड काम करता है। और इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इल्के गुंडोगन गोल करेगा हाफ टाइम से पहले, और वही हुआ, हाफ टाइम से पहले पहला गोल इसने किया और मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि यही गोल करेगा, साफ बोल दिया था। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हाफ टाइम से पहले इल्के गुंडोगन स्ट्राइकिंग पे होता है। आप कभी भी देख लेना लाइव मैच, आपको पता चल जाएगा कि इल्के गुंडोगन कभी भी देख लेना लाइव, ये बंदा स्ट्राइकिंग पे होगा हाफ टाइम से पहले बिल्कुल। अगर ये नेट है तो ये यहीं खड़ा रहेगा, मतलब ये अगर इसको यहाँ से पास की सीधा गोल। एंड आगे से बात करें पी फॉर्डन की, पी फॉर्डन पिछले मैच के अंदर हुआ फ्लॉप, बट फॉर्डन को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, लो टीम्स के खिलाफ बढ़िया चलता है और अब इसको तो ले नहीं सकते, सबको तो ले नहीं सकते दोस्तों, इन्हीं से काम चलाओ। आगे से बात करें आईएफ की, तो अभी आप आईएफ को ले लीजिए क्योंकि मैं आईएफ और एडवर्ड में थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, तो मैं देखता हूँ लास्ट में क्या करना है, क्योंकि ले तो कोई भी सकते हैं, क्रेडिट इशू तो कल से आ नहीं रहा क्योंकि हर प्लेयर एक क्रेडिट का है। एंड एर्लिंग हालैंड की बात करें, एर्लिंग हालैंड का ज़बरदस्त गोल आया पिछले मैच में, जबकि मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या हो गया क्योंकि ये तो नामी गामी प्लेयर है, 22 साल एज है इसकी, 22 साल का लड़का, वो भी इतना बड़ा कारनामा कर रहा है और वो हम कैसे नहीं लेंगे, मैं तो रिस्पेक्ट ही बहुत बड़ी हुई है इस प्लेयर के लिए, मतलब एक बार तो देखो हर इस एज से गुजरा हुआ प्लेयर है। अब जैसे जिनका आज नाम है, रोनाल्डो मेस्सी हो गया, ज्लैटन इब्राहिमोविक हो गया, बड़े बड़े प्लेयर जितने भी हैं, हर प्लेयर 22 साल से 23 साल से गुजरा है, तो इतना अच्छा तो प्रदर्शन देखने को नहीं दिखा जितना ये कर रहा है, तो ये तो यंगस्टर की पहचान है। बात करें कैप्टन की, मेरा कैप्टन है एर्लिंग हालैंड, वाइस कैप्टन है केडी ब्रून, तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।